बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले देखने वालों को वेलकम करते हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की नजर है परवेज इलाही साहब पर, मगर परवेज इलाही साहब की नजरें कहाँ है ये आमिर मतीन साहब से हम जानेंगे। तहरीके इंसाफ इस वक्त असेंबली तोड़ने और नून लीग असेंबली को बचाने के लिए सरगर्म है, आखिर तख्ते पंजाब का बनेगा क्या, ये आमिर साहब के साथ जानेंगे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में निहायत ही अहम मामला सोयाबीन बीज की दरामद का है। कायमा कमेटी के इजलास में हंगामा आराई हुई, पोल्ट्री मसनूआत और लाइव स्टॉक फीड की किल्लत का खतरा शदीद बढ़ चुका है। वफाकी वजीर बराए तहफ्फुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा साहब और इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के वफद के एक दूसरे पर शदीद इल्जामात लगाए गए हैं। सवाल यह कि क्या एक मुर्गी का गोश्त था जो शायद कहा जा सकता है कि आम आवाम की पहुंच में था, यह भी उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। असल मसला है क्या, प्रॉब्लम कहां पर है, ये आमिर साहब से जानेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात, सिक्योरिटी एहलकार हों और पोलियो एहलकार, ये मरकजी हदफ नजर आ रहे हैं, हुकूमत खामोश क्यों है, ये भी वजह आमिर साहब से जानेंगे। आमिर साहब से पहले तो पंजाब की सूरत हाल मुझे बताएं कि ऐसा लगता है कि पंजाब की सूरत हाल दोबारा से वो जुलाई की पोजिशन पर खड़ी हो जाएगी, खरीदार भी आएंगे, बिकेगा भी, बाजार भी लगेगा, पार्टियां भी होंगी, कोई वफादार निकलेगा, कोई बेवफाई कर जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसा होने जा रहा है। इस वक्त वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बक स्टॉप्स एट परवेज इलाही, अब ये सारा मामलात का जो महवर है वो चौधरी परवेज इलाही साहब बन गए हैं, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद कि वो समनिया तहलील कर रहे हैं पंजाब की और केपी की पीटीआई वाले, ये इसमें कोई सारा कुछ जो एक चीज़ आड़े आ सकती है रोकने के लिए वो परवेज़ इलाही साहब हैं। कि हालांकि मुश्किल लगता है कि उनके पास कोई और चॉइस है, क्योंकि वो पीडीएम में जाते हुए नज़र नहीं आते, वो इतना आगे जा चुके हैं, इसके बाद उनके लिए पीछे जाना मुश्किल है। दूसरा, उन्होंने अपनी मुस्तकबिल के लिए, सियासी और इलेक्टोरल मुस्तकबिल के लिए, कि उन्होंने वोट बैंक जो पीटीआई के ज़रिए अपनी सीटें बहाल करनी है, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो ये फैसला करें। मगर उसकी दो वजूहत हो सकती है, एक तो वैसे ही ज़ाहिर है चीफ मिनिस्ट्री उनकी जा रही है और ये नहीं पता कि अगली दफ़ा उनको चीफ मिनिस्ट्री मिले या ना मिले, तो एक तो वो बारगेनिंग भी करना चाहेंगे कि इसके ऊपर जो है ना नेक्स्ट उनको क्या मिलेगा इसमें से, कि कितनी सीटें मिली जाएंगी, उसके बाद कितनी पीटीआई वाले उनको एडजस्ट करेंगे, कितना कितना कहाँ करेंगे, और वो ये भी कोशिश करेंगे कि कम से कम जुबानी ये यकीन दहानी करा दी जाए कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगली दफ़ा। और साथ में जो है, पहले इसमें सबसे बड़ी गलती तो पीटीआई की है, और ये इमरान खान साहब का एक तरीकाकार बन गया है कि वो पहले फैसला कर लेते हैं बाद में मशावरत करते हैं। इनको असूली तौर पे जब ये अनाउंस किया गया था यहाँ पिंडी के जलसे में, उससे पहले मशावरत कर लेनी चाहिए थी, सारा कुछ होमवर्क करके उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं और उसके फौरन बाद आप समियत तहलील कर रहे हैं अगर आपने ये करना था। तो उन्होंने करने के बाद, मेरा ख्याल उस वक्त पहले जो उनका फैसला था वो इस्तीफे देने वाला था, और वो एक बहुत बड़ी गलती होनी थी अगर उन्होंने पंजाब और केपी से इस्तीफे दे देते, तो ये उतनी ही बड़ी गलती होनी थी जितना कि नेशनल असेंबली से इस्तीफे देने का है, कि आप पूरी दूसरों के लिए एक ओपन स्पेस छोड़ देते हैं। तो उसके बाद ये कोई आईनी कानूनी तरीका नहीं रह गया था नेशनल असेंबली में कि जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ को हटाया जा सके, इसलिए इस बात का भी इम्कान हो सकता है अगर वो ये फैसला ना करें तो वो नवंबर तक भी जो है अगले तक इलेक्शन लटका सकते हैं। ठीक है। और वो बड़ा खुश थे पीडीएम वाले, और उन्होंने मजीद बड़े नारे मारने थे कि अगर ये रिज़ाइन कर देते तो उनको एक प्लेन फील्ड पंजाब में मिल जाती थी। सबसे प्रॉब्लम बड़ी जो पीडीएम के लिए आ रही है, इस वक्त भी आ रही है, कि उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई मोबिलाइज भी कर सकती है, अपने मेंबरान को भी मोबिलाइज कर सकती है, फिर पूरे सूबे में वोटर्स को भी जो है खुश कर सकती है, डेवलपमेंट स्कीमें ब्ला ब्ला ब्ला, और एक पाकिस्तान जाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, 56% अवाम है, तो उसके अंदर हुकूमत ना होने से ये जो नून लीग की यहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप है वो बड़े, मेयर ऑफ इस्लामाबाद जो उनको शहबाज शरीफ साहब को ताना दिया जाता है, 27 किलोमीटर तक महदूद होकर रह गई है, बेमाने होकर रह जाती है। अगर ये उनको प्लेट में के दे देते और केपी में से भी हुकूमत दे देते तो वो एक बड़ी बेवकूफाना बात थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है आफ्टर थोड़ा अच्छे कुछ समझदार लोगों ने मशवरा दिया इमरान खान को कि आप असेंबलियां तहलील करें। असेंबलियां तहलील होने के बहुत फायदे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि उससे पीडीएम की सफों में एक परेशानी है और एक भौंचाल आ गया और आ जाना चाहिए था,
क्योंकि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह वेव चल रही है पीटीए की, जैसा कि बाय इलेक्शन से साबित हुआ, उसके बाद कभी इम्कान है कि अगर वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई की असेंबली 90 दिन तक मैक्सिमम जो है ना करवाई जा सकती है, तो उसमें पीटीआई के जीतने का बहुत इम्कान है। और अगर पीटीआई केपी में और पंजाब में ये इलेक्शन सूबाई जीत जाती है, तो अगले बाय इलेक्शन, अगले जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात नेशनल असेंबली के होंगे, वो चाहे लेट हों, 6 महीने बाद हों, 1 साल बाद हों, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि सूबों में अगर चीफ मिनिस्टर पीटीआई के होंगे तो उससे नेशनल असेंबली के ऊपर भी, इलेक्शंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और उनके जीतने का बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ जाता है पीटीआई के। तो उस वजह से बाकी सारी चीज़ें ऑल कवर्ड है। अब पीटीएम तरीके निकाल रही है, पहले तो वो डेयर करते रहे थे वो करें, अब उनको भी एहसास हुआ है कि ये उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है और अब इसको रोकने का तरीका जो है वो एक लीगल तरीके निकाल रहे हैं। वो हम बाद में उस पर बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं कि वो गवर्नर रूल करके या नो कॉन्फिडेंस मोशन करके या इस तरह के तरीके हीले बहा दें, मगर ओवरऑल उसकी जो जिस्ट ये है कि वो जो भी तरीका इसको रोकने का करेंगे उससे वो सिर्फ डिले कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली अगर कोई गैर आइनी भी काम करें तो अदालतों से क्लियर हो जाएगा, उससे 2-4-5 दिन आगे जा सकता है, मगर प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर्स की असम्बलियों को डिसॉल्व करने की, बर्खास्त करने की जो है वो ताकत जो है ना वो बहुत लामहदूद है, वो एब्सोल्यूट है, और उनको कोई रीजंस भी नहीं देने की जरूरत। अगर उन्हें 86 सूरत पर सूट करता है तो बगैर वजह बताए वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वो तरीके निकालेंगे वो मुश्किल लगता है कि वो उस चीज़ को रोक सकें। मगर अब परवेज इलाही साहब पे क्वेश्चन आ गए हैं बहुत ज़्यादा हैं कि आज फॉर एग्जांपल परवेज इलाही साहब को ये बताया गया था हमें कि इमरान खान से मुलाकात होगी, वो आज मीटिंग नहीं हुई, अब वो कल होगी, और अब ये इम्प्रेशन आ रहा है पीटीआई की तरफ से 2-3 चीज़ें कि उनको इतनी जल्दी नहीं है कि ये कल परसों तरसों जो बात हो रही थी ये थोड़े दिन और भी लग सकते हैं। जुमा और हफ्ते की जो बात वो आज सब कर रहे थे, पहले जुमा हफ्ता कह रहे थे, मगर उनके यहाँ एक डीप थिंकिंग हो रही है, सोच विचार चल रहा है कि काफ़ी सारे असम्बलियों के अंदर लेजिस्लेटिव एक आपकी पाइलअप हुआ होते हैं कि आप वो ऐसे कानून पाइपलाइन में होते हैं जो कि बनाने से आपको बड़ा फ्यूचर में, मुस्तकबल में फ़ायदा होता है और नेक्स्ट इलेक्शन में भी फ़ायदा होता है, तो वो अपना लेजिस्लेटिव जो एजेंडा है वो भी कंप्लीट करना चाहेंगे कि जल्दी से चंद कवानीन हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं और मुस्तकबिल के लिए भी और इलेक्शन के लिए भी आने वाले ज़रूरी हो सकते हैं, उसको भी पास करना चाहेंगे। दूसरा ये भी एक सोच विचार हो रही है कि पहले फैसला ये किया गया था के दो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और बलोचिस्तान और सिंध में जो उनके MPAs हैं, नेशनल असम्बली के लोग पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनसे भी इस्तीफ़ा लिया जाए। अब वो लोग ज़ाहिर है कोई MPA MNA वक्त से पहले घर नहीं जाना चाह रहा और वो MPAs इनके दो सूबों के कह रहे हैं कि जी हमें क्यों आप बली बकरा बना रहे हैं, जो है ना बकरा बना रहे हैं, तो हमें रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको वहाँ पर गुंजाइश देने की। तो वो इस पे भी सोच विचार हो रहा है, हालांकि इमरान खान इसके ज़रिए, क्योंकि पहले ये मूव थी एक सिंबॉलिक थी, एक प्रेशर टैक्टिक था कि हम ये नेशनल असम्बली से भी रिज़ाइन करके चले गए हैं और ये चारों सूबों से भी जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी तो एक प्रेशर बनेगा, इसकी कानूनी कानूनी और आइनी कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता था, सियासी भी नहीं पड़ता था, मगर ओवरऑल एक प्रेशर था कि जी आप इतनी बड़ी पार्टी असम्बलियों में नहीं है, मगर ये देखें 8 महीने नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी नहीं है और मगर उससे जो है मजबूर नहीं कर सके कि ये इलेक्शन करवाए, और वो बातें कर रहे हैं अगस्त और नवंबर की कि हम उसी वक्त करवाएंगे, तो इससे भी, मगर ये जो तहलील करने वाला आइडिया है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे जो है अगर PDM ने अगला इलेक्शन जीता नून लीग के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब में, पंजाब को जीते बगैर या इस्लामाबाद के नेशनल असम्बली में गवर्नमेंट लामानी हो जाती है, बिल्कुल उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाती, या फिर ये है कि वो उसकी ताकत नहीं रहती है। इसमें आपने जिस तरह से बताया आमिर साहब के बड़ा जो एक पॉलिटिकल अहम प्लेयर है वो परवेज इलाही साहब है, ये तो आपने बता दिया, मुलाकात कल होने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मुलाकात शेड्यूल थी, मुलाकात हुई क्यों नहीं, इख्तलाफ है पॉलिसी पर, फैसले पर या सोच पर?
भाई परवेज लाई साहब का जो है ना रिलक्टेंस समझ आती है, एक चीफ मिनिस्ट्री एकदम से उनको जानी पड़ रही है और वो थोड़े थोड़े अब उनको आदत पिछले 5 साल पहले रही है, उसके बाद उनका ख्वाब था चीफ मिनिस्टर बनना, तो वो दरमियान में पहले बुज़दार साहब को ले आए, फिर हमजा आ गए, अब जाके उनका ये ख्वाब पूरा हुआ है और वो चंद महीनों के अंदर ही बल्कि चंद हफ्तों के अंदर ही वो मुतजलजल हो गया ख्वाब, और वो उनके जाने का कहा जा रहा है कि जी अब उनका दिल नहीं कर रहा, बच्चे के पास खिलौना नहीं आ जाता, वो खिलौना पकड़ लेता है कि मैंने नहीं देना, तो उनका एक ये चल रहा है। सियासी तौर पे भी मैंने आया ना कि वो चाहेंगे कि जितने इसको लटकाया जा सके तो वो नहीं। दूसरा परवेज़ इलाही साहब की एक खासा राव है कि इमरान खान उनकी तरफ देख रहे हैं और परवेज इलाही साहब जो है ना वो पिंडी की तरफ देखते अच्छा। हैं, वो हमेशा वहाँ से ले। अभी वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिशन चल रही है और वहाँ से या तो कोई बिल्कुल भी मैसेज नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ये नहीं बताया जा रहा है, अगर बता रहा है तो वो ऐसी पार्टी बता रही होगी जो कि रेलिवेंट नहीं रही, पुराने लोग रहे हैं जो बाजवा साहब की टीम है वो अभी रेलिवेंट नहीं, अब मैटर करते हैं नए आर्मी चीफ जो आ गए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं इसके ऊपर। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब जी, फैसल चौधरी साहब आपसे हम हमेशा रहनुमाई लेते हैं, ना सिर्फ कि आप सियासी खानदान से हैं ऊपर से आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। अभी सूरत हाल ये है कि वैसे कोई ऑब्स्टिकल आड़े आता नहीं नजर आता कि अगर डिसाइड कर लें पीटीआई डिसाइड कर ले और परवेज इलाही साहब भी मान जाएं तो फिर कोई असम्बली तहलील होने में पंजाब असम्बली कोई रास्ते में रुकावट नज़र नहीं आती, मगर हम आवाज़ें सुन रहे हैं और क्लेम्स सुन रहे हैं नून लीग की तरफ से कि जनाब क्योंकि गवर्नर उनका है तो ये हम उसको कानूनी तौर पर वो रोक लेंगे। बारी बारी मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, एक वो कह रहे हैं जनाब हम गवर्नर रूल लगा देंगे, पहले इस पे बताएं फिर मैं बाकी रिकावटों में बारी बारी पूछता हूं आपसे। अमित सर, गवर्नर रूल लगाने में जो है ना अपना एक इशू ये है कि आर्टिकल 234 के तहत वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन है, उसमें पहले तो गवर्नर ने एक रिपोर्ट भेजनी होती है और अगर प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाई हो तो फिर उसमें जो है वो गवर्नर रूल लगाया जाता है। और उसमें भी एक और प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट खुद भी अज्यूम कर सकते हैं, यानी वो जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट अपने पास रख सकते हैं आर्टिकल 234 के तहत। सो ऐसी सूरत में जो है वो गवर्नर आज फिर गवर्नर राज लगाने के लिए बहुत ही जो सिचुएशन या कंडीशन होती है, अगर आपको याद हो 2009 में सलमान तसीर शहीद जो थे गवर्नर थे और उन्होंने गवर्नर राज लगाया तो कोर्ट से उनको ओवरटर्न कर दिया था। और जाहिर है इस बार अगर गवर्नर आज लगेगा और उसकी वायलेशन में लगेगा जजमेंट की तो फिर बहुत कुछ और भी हो सकता है, तो वो फिर वहाँ उस किस्म की सिचुएशन भी इस वक्त प्रिवेल नहीं कर रही है सूबे में, तो इसलिए मेरा ख्याल में गवर्नर आज लगाना तो दूसरा वो कह रहे हैं कि गवर्नर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर से परवेज़ इलाही से कह सकते हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके फिर उनको 186 लोग लेने पड़ते हैं, और या ये कि वो नो कॉन्फिडेंस की मूव पेश कर देंगे जिसकी वजह से असम्बलियाँ तहलील नहीं होती जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता। एक तो लीगल साइड इसकी कि ये जो ऑन गोइंग सेशन है इसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो सकता है, तो उसकी क्या बुजबरात है? देखिए तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और गवर्नर का ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहना। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आर्टिकल 130+7 के तहत जो है वो गवर्नर जो है कहा वो कहता है, लेकिन उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस बिल हो या मनी बिल हो और वो उसको गवर्नमेंट पास ना करा सके तो उस ऐसी सूरत में रेजोल्यूशन से पहले या गवर्नर जो है वो कहते हैं कि उसकी कोई रीजनिंग भी होनी पड़ेगी, यानी वो जस्ट ऐसे नहीं है कि सुबह आईन में वैसे कोई ये जिक्र नहीं है, ये समझा जाता है कि उनके रीजन होने चाहिए कि अलाइज टूट गए हैं या ब्ला ब्ला, मगर वहां पे खास तौर पे कुछ जिक्र नहीं है कि उनके रीजंस क्या हैं कहने के। उसमें वो सेटिस्फेक्शन है ना जी, वो सेटिस्फेक्शन का वर्ड का मतलब भी ये है कि फिर आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज सेटिस्फेक्शन के लिए तो आपको रीजनिंग नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नर जो है वो सुबह उठे और वज़ीर आला से नाराजगी हो तो नाश्ते की टेबल पे उनको लेटर लिख देंगे कि आप एतमाद का वोट लें,
ऐसा तो नहीं होता। मगर फर्ज करें कि अगर वो कह भी देते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन को मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो कह भी देते हैं, तो वो लेट से 186 अव्वल तो उन्होंने पिछले इलेक्शन में परवेज लाई साहब ने 188 के अलबन लिए थे, और फर्ज करें वो नहीं भी ले ये पाते नंबर, वैसे तो ऑन पेपर उनके 190 क्यू के और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के मिला के बन जाते हैं, नहीं इसके पीटीआई के और क्यू लीग के मिला के बन जाते हैं, मगर फर्ज करें तो अगर ये नहीं भी ले पाते 186 तो सेकंड राउंड के अंदर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के अंदर जो है जितने भी वोट होंगे वो उसमें भी ले सकते हैं, और यही सूरत हाल नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि फर्ज करें वो टेकअप हो भी जाता है तो वो वोट जिसके पास है जितना तो उसी ने है। नहीं हमेशा ऐसा नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आर्टिकल 130 में जो सब क्लॉज 7 है उसमें असेंबली की रेजोल्यूशन की एडवाइस देने पर पाबंदी नहीं है, यानी अगर गवर्नर कहीं भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उसमें जो है वो ऐसी स्पेसिफिक कदगर नहीं है वजीर आला के ऊपर कि वो एडवाइस नहीं दे सकते। उनके मुकाबले में जो आर्टिकल 112 के तहत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है उसमें ये स्पेसिफाई है और बाकायदा कदगन है कि अगर जो जो रेजोल्यूशन की एडवाइस देनी है चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर अगर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है मूव हुई हो या उनके ऊपर वोटिंग हुई हो और वो कामयाब हो गई हो तो फिर ऐसी सूरत में जो असेंबली तहलील करने की एडवाइस वजीर आला ना देने का पाबंद है। आप ये कह रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहने से चीफ मिनिस्टर का जो इख्तियार है असेंबली डिसॉल्व करने का तहलील करने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस के मोशन के अंदर उनका ये इख्तियार जाता है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और आइन जो है इस नाजर में बिल्कुल खामोश है। आर्टिकल 130 में जब गवर्नर साहब उनको कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कहते हैं तो आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस का जो अदम एतमाद की जो सूरत हाल है उसमें बाकायदा तौर पे रिटर्न कितना ये तो समझ आती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके पास नंबर्स हैं तो वो ले लेंगे, मगर ये एक डिलेइंग टैक्टिक है कि इसके जरिए जो है अगर गवर्नमेंट डिले करना चाहे तो वो सेक्रेटरी उसके ऊपर बैठ जाएगा, अगला सेशन जो है लेट कर सकता है। उसमें तो ये ना देखें उसके लिए तो स्पेशल जो एक तो ये जो सेशन ऑन गोइंग है उसके बिजनेस में क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है तो वो उस ऑन गोइंग सेशन में तो वो हो नहीं सकती, उसकी उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती तो वो उसके लिए तो अगर वो 1/5 ऑफ द असेंबली नंबर वो रेजोल्यूशन पेश कर देते हैं आप तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नहीं वो एक्सेप्ट नहीं होती थी, उसका वो जमा हो जाती है इतने जमा होने से इख्तियार पे चीफ मिनिस्टर के फर्क नहीं पड़ता कि जी जमा हो गई है सेक्रेटेरिएट ने रिसीव कर लिया है तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं रहा। मेरे ख्याल में ऐसी सूरत में वजीर आला साहब को इजतराब करना चाहिए रेजोल्यूशन की सबरी मूव करते हुए। मेरे ख्याल में तो अगर आ भी जाए तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, उनके पास नंबर्स हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा एक और मैं आपसे अर्ज करना ये चाह रहा था कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का जब गवर्नर कहते हैं तो उसमें 186 जो है वो टोटल मेजोरिटी साबित करना जरूरी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी जो है दैट इज अनफ उसमें जो है, क्योंकि जो बिल है असेंबली के अदर देन क्योंकि वो दोता ही अक्सरियत वाला तो चाहिए नहीं है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किए जाते हैं तो यही जो प्रिंसिपल है वो लागू। लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लूं क्विकली कि आप वकील होने के साथ एक सियासत में भी पूरा इंटेलिजेंस आप किया है, फवाद चौधरी के भाई भी हैं और सियासी खानदान से हैं, तो ये परवेज लाई साहब जो नजर आ रहा है कि आज मीटिंग नहीं कहीं, आपको लगता है कि डिली डाली कर रहे हैं? हमें साहब देखिए दो अलहदा जमाते हैं उनके अपने अपने मामला हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मोनस अलाई और परवेज अलाई साहब ने इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं तो मैं आपको जाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि ये एक सियासी गपशप लंगर गप तो हो सकती है कि उनके खिलाफ है, लेकिन परवेज अलाई साहब और खासकर मोनस अलाई साहब जो है बड़े स्टेडफास्ट होके वो साथ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी सिचुएशन है। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी जो उनके ऊपर परवेज खट्टर साहब की भी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है
वो आपस में वो रबते में रहते हैं। सही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब जो कहेंगे वही हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम मुकाबले के लिए निकाला। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अरबों रुपया दाव पर रख चुका है, लाइफ स्टॉक फीड है उसकी किल्लत का खतरा इतना शदीद बढ़ गया है कि कई जगहों पर अलार्मिंग सिचुएशन है, वजह क्या बनी है इसकी इनकी शफात आमिर साहब करेंगे। ब्रेक से वापस आके हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, वफाकी वजीर बराए तहफ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा साहब को और इम्पोर्टर्स का जो आपस का झगड़ा है, क्या मैं ये कह दूं कि लाखों मुर्गियां मर जाएंगी, क्या मैं ये समझ लूं कि मार्केट से अंडे और मुर्गी का गोश्त नापैद होने वाला है? जी, पहले ही यहाँ पे एक मल्टीपल क्राइसिस चल रहा है कि महंगाई बहुत है, गैस आ नहीं रही, बिजली के मसाइल हैं, उसमें एक और क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा कि, और वो सेल्फ क्रिएटेड है और वो गवर्नमेंट की टोटली नाअहली है, और उसके बीच में है तारिक बशीर चीमा साहब। अगर ये मसला हल ना किया गया तो इसकी वजह से अंडे और मुर्गी के गोश्त नापैद हो सकता है और पोल्ट्री फार्म जो हैं सारे बंद हो सकते हैं और लाखों लोगों की नौकरियां और घरों में मुर्गी अंडे आपको सर्दियों में नहीं मिलेंगे। ये इस वक्त टीवी पे इश्तिहार चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन का कि जी गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करें। अब ये कैसे क्रिएट किया गया, ये इशू इतना बड़ा क्रिएट किया गया और इसको बहुत लाइटली, एक महीने से ये चल रहा था, उसका आज जो क्लाइमेक्स था वो आज नेशनल असेंबली की जो कमेटी है ऑन फूड सिक्योरिटी उसके अंदर ये लड़ाई मारकुटाई हुई। ये अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि वहाँ पे ये इशू ये था कि एक महीने डेढ़ से जो कार्गोज आते हैं सोयाबीन के और कनोला के, वो इन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई थी गवर्नमेंट ने, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने, कि ये नहीं आ सकते, और उन्होंने पहले कहा जी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, एनवायरनमेंट पे बुरा असर है, आज उन्होंने कहा जी कैंसरस हैं। अच्छा। ये कह दिया, इस पर एक वो रुका हुआ था क्योंकि ये जो आपकी फीड होती है पोल्ट्री की, इसके अंदर 75% ये चीज़ अगर ना आए, सोयाबीन का ना आए तो वो बीज ना आए तो ये बन नहीं सकती फीड। अगर फीड नहीं है, ये वाइड फीड है जो पोल्ट्री फार्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है, तो मुर्गियों की जो है ना एक बहुत बड़ी इसकी किल्लत का एक क्राइसिस है कि अंडर मुर्गी का गोश्त जो है ना आपका एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, सारी पोल्ट्री काफ़ी सारी पोल्ट्री फार्म जो हैं बंद हो सकते हैं। और उसका ये मसले का आज हल करने के लिए कमेटी की ये मीटिंग थी, राव अजमल साहब उसको हेड कर रहे थे, तारिक बशीर चीमा साहब ने वहाँ बहुत एक अग्रेसिव जो है उनका एक स्टाइल है, वो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन जो है बहुत अग्रेसिव किस्म की वो तकरीरें करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एग्रेशन दिखाया बहुत ज़्यादा और सारी पार्टियों को कमेटी में बुलाया गया, मगर उन्होंने वहाँ पे बड़ी एक सख्त अल्फाज किए। फॉर एग्जांपल जो कमेटी के जो एसोसिएशन के ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्शन एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंट हैं शहजाद अली खान साहब, शहजाद अली खान आए हुए थे, इन्होंने उनके ऊपर बहुत बदतमीजी से झाड़ा जो कि रिपोर्टेडली चल रहा है, और ये देख रहे हैं कि बाहर बाकायदा हाथापाई तक गाली, अभी हम कुछ अखलाकियात के दायरे में रहते हुए बता रहे हैं, अभी अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, मगर वहाँ गालम गलूच भी हुआ और इन्होंने कहा कि ये दो नंबर लोग हैं तारिक बशीर चीमा साहब ने, और इनको बुलाया क्यों है और निकालो इनको, जिस पे उन्होंने भी रिएक्ट किया। राव अजमल साहब ने कहा जो कमेटी के हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप ये बदतमीजी ना करें, आप अपने अल्फाज वापस लें, वहाँ पे बाल गुस्से गुस्से में बातें होती रहीं। उसके बाद शहजाद अली खान साहब ने, उन्होंने भी एक अपना मैसेज भेजा तारिक चीमा साहब को, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी बहुत ज़्यादा की थी, तो वो अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है और इनके चीमा साहब के इलाके में जो है ना वो ख़ासतौर पर बावलपुर में वो सर्कुलेट कर रहा है। उसके अल्फाज हम नहीं दोहरा सकते, मगर उन्होंने पूरा चीमा साहब को जवाब दे दिया हुआ है और उसके कंटेंट्स इस तरह के हैं कि वो हम नहीं दोहरा सकते, टेलीविजन पे नहीं दोहरा सकते, मगर वो उसमें चीमा साहब का जो इंप्रेशन होता है कि वो जट आदमी है और बहुत दलेर आदमी है, सो उनका वो जटपन जो है ना उससे वो बिल्कुल तबाह फ्लैट हो जाता है, वो जिस तरह स्कूल के बाहर लड़ाइयाँ नहीं होती उस तरह की एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये एक सिलसिला है और उसके अंदर दोनों तरफ से चीमा साहब ने अपने इल्ज़ाम लगाए
एसोसिएशन की तरफ से जो है, एक तो उनकी कैंपेन मीडिया पे चल रही है कि जनाब ये पोल्ट्री का मसला है, अंडे और मुर्गी का मसला है। दूसरा वो कहते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है इनका रिश्वत साजी का एक तरीकाकार है, ये जान के ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक महीने से दो तीन जहाज़ आ चुके हैं, बाकियों को रोका हुआ है। एक जहाज़ कार्गो उन्होंने सिंध हाईकोर्ट की इजाज़त के साथ मंगवाया है। और वो कहते हैं जी ये इल्ज़ाम के जेनेटिक इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट उनका ये बहाने ढूंढ रहे हैं, ये माल कमाना चाहते हैं, करप्शन के इल्ज़ाम संगीन लगाए हैं कि ये मिनिस्ट्री जो है माल कमाना चाहती है। और उस मैसेज के अंदर जो उन्होंने ऑडियो मैसेज है, उन्होंने चीमा साहब पे भी बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा जी ये हीले बहाने ढूंढते हैं, और कभी कह देते हैं कि जी इसकी जो है स्प्रे ठीक नहीं हुआ, कभी कुछ कर देते हैं। हालांकि जो उसमें ये गवर्नमेंट खुद मंगवाती रही है, और ये TDC भी गवर्नमेंट का जो इदारा है ये भी मंगवाते रहे हैं, और 20 साल से कनोला और कोई 8 साल से सोयाबीन ये आ रहा है और ये अमेरिका से और ब्राज़ील से आता है। मजे की बात ये है कि चीमा साहब ने इसको एक साइफर कॉन्स्पिरेसी भी बता दिया। ये पहले तो इमरान खान पर इल्ज़ाम था ना, अब इधर आ गया चीमा साहब की तरफ। उन्होंने कहा जी इसके लिए, इसको कार्गोस को खुलवाने के लिए मुझे जो है अमेरिका के सफीर ने भी मुझे कहा है, और मैंने नहीं ये रुक रहे। अब इसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी आ गई। शहजाद अली खान साहब कहते हैं कि उनकी इतला में ताकि US एम्बेसडर कह रहे हैं कि मैंने इनसे नहीं मिला और ना ही मैंने इनसे कहा है। दूसरा उन्होंने भी फिर जवाबन उसी जुबान में कहा, उन्होंने कहा जी तारिक बशीर चीमा जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं, और इनका मसला ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब को इंग्लिश नहीं आती और अमरीकी सफीर को पंजाबी नहीं आती, इसलिए ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और इस वक्त जो है सोयाबीन के जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये $450 मिलियन पे किए तकरीबन जा चुके हैं, जो कि 110 अरब रुपया बनता है। अच्छा, ये सोयाबीन जहाज़ में ये ज़्यादा देर रुक दिया, एक तो उसका जुर्माना होता है जहाज़ों के वहाँ खड़े रहने का, दूसरा ये ख़राब हो जाती है, ये पहुँचेगी तो ये अगर ख़राब हालत में होगी तो ये वाकई फिर इन्वायरमेंटल और मेडिकल वो आ जाएंगी। और ये इससे क्योंकि काफ़ी सारी पोल्ट्री फार्म बंद हो सकते हैं, मुर्गियां मर सकती हैं, रोग बेरोजगार हो सकते हैं, तो जो चंद रह जाएंगी बाकी वो बहुत महंगाई हो जाएगी। और अंडा एक बड़ी बुनियादी जुज़ है, और चिकन का गोश्त भी बड़ा बुनियादी जुज़ है, पहले ही महंगाई में अगर वो नापैद हो गई और किल्लत हो गई तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन सकता है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एलाइज की लड़ाई आपस में, राव अजमल साहब जो है वो बेचारे अब तारिक बशीर चीमा साहब को एक हद तक ही कह सकते हैं क्योंकि क्यू लीग और भी एलाई है गवर्नमेंट की, और वो शुजात साहब का जो ये फैक्शन है जिसके ज़रिए उनके साहबजादे और तारिक बशीर चीमा साहब आ गए हैं, तारिक बशीर चीमा पे पहले ही परवेज़ अलाई का ग्रुप वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लड़ाई जो करवाएगी क्यू लीग में वो तारिक बशीर चीमा साहब ने करवाई, और वो उनका एक तरीका कार है कि बहुत एग्रेसिव किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो वो उनको मगर जो जवाबी इस वक्त चल रही है इस आपसी में एलाइज की लड़ाई में कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा रिलक्टेंट हैं तारिक बशीर चीमा साहब को कंट्रोल करने में, मुर्गियां और आवाम उठाएंगे, नुकसान जो है वो मुर्गियों का हो रहा है और आपका मेरा होगा अगर ये क्राइसिस ना किया जाए। इस वक्त उनकी कैंपेन्स चल रही हैं और वो दहाइयाँ दे रहे हैं कि खुदा के लिए इस मसले का हल किया जाए, एक महीने से ये क्राइसिस चल रहा है। इस वक्त आप इसको कह सकते हैं कि गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू है, एक महीने से ये कार्गो रुके हुए हैं, सिंध हाईकोर्ट के जरिए ये छुड़वाया गया एक आधा कार्गो, और उनका पूरा ये 4 सफ़ों का जवाब है जिसमें उन्होंने तकरीबन इनके जो भी इल्ज़ाम हैं कि ये इसकी अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ब्ला 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 उन सब के बड़ी सोल्यूशन कौन निकालेगा, वो प्राइम मिनिस्टर को निकालना पड़ेगा, और उनको मेरा ख्याल है इसमें से लार्जली मुझे लगता है, और ये एक मिनिस्टर को नहीं जेब देता कि जिस तरह की उन्होंने जबान इस्तेमाल की हुई है। शहजाद अली खान साहब ने भी रिएक्शन के अंदर जो ऑडियो है वो भी बहुत सख्त अल्फाज हैं, और वो एक किस्म का बाकायदा उन्होंने भी डेर किया है कि जनाब आपने मेरे से बदतमीजी की है तो मैं आपको ये जवाब देता हूँ, मगर वो मिनिस्टर हैं और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, फूड सिक्योरिटी का की बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, उनका जो ये देख रहे हैं ये वीडियो चल रही है नज़र आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगता कि ये कैबिनेट की नेशनल असम्बली की जो है कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी चल रही है, और वो बिल्कुल पकड़ा जा रहा है, हाथापाई हो रही है, और इस वक्त जो है गाली गलूच ये ऑडियो एक्सचेंजेस के जरिए हो रहा है और एक दूसरे को डेयर किया जा रहा है कि तुम मेरे इलाके में आओ तो मैं तुम्हें देख लूंगा, वो कह रहे हैं जी तुम मेरे इलाके में
आओ तो मैं तुम्हें देख लूंगा, ये बिल्कुल मैंने कहना स्कूल कॉलेज के लड़ाई के और ये क्राइसिस बनता जा रहा है। सही है, आप कह रहे हैं वजीर आजम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो तो सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात उन्होंने जरदारी साहब से कर डाली है, उनकी तो तरजीह सियासत है, आवाम या फिर मुर्गी अंडा कहां गया? उनकी तरजीह सियासत होनी भी चाहिए क्योंकि ये पंजाब असम्बली की जो तहलील का और केपी की तहलील का उनके लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, मगर ये उनके हाथ बंधे हुए लगते हैं कि ये जो भी डिसाइड करना है वो परवेज लाई या पीटीआई ने करना है, इनके पास जो उसको रोकने की जो इन्होंने कानूनी तदाबीर की हुई है, और ये गलती करते रहे हैं, ढेर करते रहे हैं पहले कि बार बार राणा सनावला ये कहते रहे हैं कि जी अगर आप करें ये असम्बलियों के वो करें, रेजिग्नेशन है गलती थी, मगर मैं समझता हूँ ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इसके जरिए पीटीआई ने बहुत अच्छी एक ये मूव कर ली है, क्योंकि पहले ये सिम्बॉलिक प्रेशर एग्जर्ट कर, ये एक सियासी चाल है और बहुत अच्छी चाल है, और उन्होंने शुरू में नहीं की, उन्होंने 8 महीने में इनकी एक्सपोज कर दी है, इनकी कॉम्पिटेंस भी, और के इसमें 8 महीने में अपना ग्राफ ऊपर कर दिया और कैंपेन चलाई रखी है, और इलेक्शन होते इसका फॉलोअप हम देते रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है उसमें हुकूमत खामोश क्यों है, क्या आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया, इसमें मैं बात करूंगी आमिर साहब से एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मुल्क के अंदर जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, आमिर साहब मुझे बताइए क्या इस दहशतगर्दी का हदफ कौम के अंदर खौफ फैलाना है या हकीकतन पोलियो वर्कर्स हैं? ये बड़ी अफसोसनाक एक तवातर से ये वाले हमले जा रहे हैं, इस पर बात करता हूँ, मगर मैं एक पहले थोड़ा सा कह दूँ कि हमने जो आगे ये पोल्ट्री के इशू के ऊपर जो इशू रेज किया है उसमें हमने जो पोल्ट्री ये जो सोयाबीन वालों के शहजाद अली खान साहब एसोसिएशन के प्रेस उससे बात की थी, हमने मल्टीपल कई दफ़ा ट्राई की तारिक बशीर चीमा साहब से भी कि उनका वर्जन ले सकें, अगर उन्होंने अपना वर्जन देना तो हम एनी टाइम इज़ वेलकम। दूसरा इस पर अब आ जाएँ कि ये आज क्वेटा में जो मुबैना खुदकुशी हमले में 2 पुलिस एहलकार और एक बच्चा शहीद हो गया, 27 अफराद जख्मी हैं, ये जो ज़्यादातर मारे जाने वाले और जो जख्मी लोग हैं ये पुलिस एहलकार थे जो कि पोलियो की टीमों की हिफाजत के लिए मामूर थे, और वैसे ही एक जहालत है कि पोलियो को जो नहीं लगाया जाता, अभी दुनिया में सिर्फ जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क रह गए हैं जिसके अंदर पोलियो एग्जिस्ट करता है, और पिछले साल ये दुनिया हमने भी हमारा भी ख़त्म हो गया था कि पोलियो, और हमने बड़ा प्राउडली अनाउंस किया था कि हमारा पोलियो ख़त्म हो गया, हम भी बड़ी दुनिया के साथ मिल गए हैं, मैं पिछले साल 1 केस निकला, अभी वो 22 केस निकल रहे हैं, और ये 22 से मल्टीप्लाई होते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो सलाम है उन पुलिस वालों को जो कि इस पे अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, और ये पिछले 5 वर्षों में 18 से ज़ायद पोलियो के दहशतगर्दी के निशाने वाकयात हो चुके हैं, और 5 साल में 44 पुलिस वालों ने अपनी जान का नजराना दिया है, और ये वाकई ये पूरा ऑफ कोर्स दहशतगर्दी तो है ही है, मगर ये एक इंसानी पहलू है और एक जहालत है कि उसके बावजूद पोलियो का लोग एहसास नहीं करते, और अभी भी आपको कुछ एक दो लोग मिल जाएंगे कि वो जो कहते हैं कि अभी भी शक करते हैं कि पता नहीं पोलियो टीम का, और दूसरा ये जो वो लानत है उन लोगों पे जो कि इनको टारगेट कर रहे हैं, ये फरिश्ता लोग हैं जो कि उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, बच्चों की जान बचा रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं, और उसकी उसकी दहशतगर्दी का भी उसका एक एलिमेंट है कि वो भी एक तश्वीशनाक है कि TTP वालों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, वैसे वो कई दफ़ा गैर जरूरी तौर पर भी कर लेते हैं अपना दहशत फैलाने के लिए, मगर क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐलान किया कि वो सीज़ फायर ख़त्म कर रहे हैं, और ये तवातर के साथ पूरे पाकिस्तान में, पहले ये स्वात में था, अब ये लकी मरवत में भी वाकयात हो रहे हैं, और भी बन्नू में भी हो रहे हैं, दूसरे भी एक्स फाटा के इलाकों में कबाइल में हो रहे हैं, तो ये एक तो वो दहशतगर्दी का एलिमेंट है, और कल राणा सनाउल्ला साहब ने हमारे प्रोग्राम में बड़े कहा कि नहीं नहीं हमने सिद्धबाप कर लिया है, और ये वाकया हो गया है, और ये बड़ी ही तकलीफ दह बात है कि एक तो पोलियो जैसी चीज़ के ऊपर और बच्चों को बचाने की मुहिम में उसे मारना जो है हमला करना, और दूसरा कि ये APS का जिस तरह तकलीफ था कि बच्चे थे तो ये बच्चों पे ये हमले करना
और उन लोगों पे हमले करना जो कि इसके लिए बहुत आला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस अहलकारों समेत पोलियो वर्कर्स जो हैं डेफिनेटली आमिर साहब इन दोनों अतराफ के अंदर जो है उनके हौसले को दाद देनी चाहिए। एनी आगे बढ़ते हैं, इसका भी हम फॉलोअप देते रहेंगे आने वाले दिनों में। अभी सियासत के हवाले से चाह रही जाते जाते बात हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस था, ऐसा लग रहा है आमिर साहब की पीपल्स पार्टी दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा रही है भुट्टो साहब के टाइम पे। इधर जरदारी साहब पंजाब के अंदर इलेक्शन नजर आ रहे हैं और उधर कश्मीर इलेक्शन हो गया, बिलावल साहब की लंबी चौड़ी तकरीर हो गई और उन्होंने कहा कि भी कर लो जो करना है, आ रहे हैं हम। इसमें सिर्फ एक सच्ची बात है, वो है पीपल्स पार्टी की कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडीज के, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और ये सिर्फ अंदरून सिंध तक वैसे पार्टी महदूद हो गई है, आज़ाद कश्मीर एक वाहिद जगह है जहाँ पे बाकी पूरे पाकिस्तान में एक आइलैंड कह लें जहाँ पीपल्स पार्टी नज़र आती है। और वहाँ पे उन्होंने पीटीआई से भी ज़्यादा सीटें ली हैं और नून लीग से तो ली हैं, पीटीआई से भी ज़्यादा सीटें ली हैं। और मुजफ्फराबाद में तो बिल्कुल राउट कर दिया है उन्होंने, बिल्कुल सफाया कर दिया है और ये बड़ा वहाँ पे काबिल तहसीन काम है। मगर उससे बाहर अगर आ जाएं कि देखें वो बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पे है, आप बिल्कुल आप देखें कश्मीर के अंदर एक आदमी जो है वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 40,000 वोट लेता है, और आप बिल्कुल गुजरात में फॉर एग्जांपल या वो मलका जो इलाके हैं पंजाब के उसमें चले जाएं तो वो 40,000 के मुतलिक 400 वोट भी नहीं ले पाता लास्ट 1 मिनट। सो ये है। तो आसिफ जरदारी साहब की ये यौम तासीस तो वो मनाते हैं, मगर वो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इररेलीवेंट होकर रह गई है, बाकी पंजाब में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। और उनकी भी लिमिटेशन है, आसिफ जरदारी साहब के भी ये ओवर एस्टिमेट किया जाता है कि उनकी ये तहलील होने वाले वाक़ियात में जोड़ तोड़ जो बिल्कुल नहीं हो सकते कि अगर उनके तोड़ भी रहे तो उनके वोट नहीं पड़ सकते, तो ये एक बंद गली में जा चुके हुए हैं। और ये इनके लिए जो है बस सिर्फ सिंध का वोट बचा लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, तो उस सिलसिले में करते रहे। मगर जो मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा सीटें क्योंकि पंजाब में हैं, पंजाब में ये इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और ये वहाँ कराची में कर लेना, लोग इकट्ठे कर लेना, अपनी हुकूमत है वो कर सकते हैं, पंजाब में आके लाहौर में आके जो है या बड़े शहर में किसी में आके वो पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर साहब, मेरे तमाम देखने वालों को भी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।